परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स क्लास 12th प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसमें आज हम आपको कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताने वाले हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित है। सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स 1 - a² / 1 + a² माइनस कॉस इनवर्स 1 - b² / 1 + b² इक्वल टू टैन इनवर्स ए प्लस बी टू टैन इनवर्स ए माइनस बी अपान 1 + ab। इसमें आप मानेंगे या यहाँ आप रख लीजिए a बराबर टैन अल्फा कामा b बराबर टैन बीटा रखने पर, तब यहां से आएगा अल्फा बराबर टैन इनवर्स ए और बीटा बराबर टैन इनवर्स बी। तो रख लीजिए एलएचएस, एलएचएस में आपका है कॉस इनवर्स 1 - a² / 1 + a² माइनस कॉस इनवर्स 1 - b² / 1 + b². अब यहां से ए और बी का मान रखने पर तो कॉस इनवर्स 1 - tan² α / 1 + tan² α माइनस कॉस इनवर्स 1 - tan² β / 1 + tan² β। अब ये आपका सूत्र है, ये भी सूत्र है, किसका? tan² α और tan² β का। तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स tan² α माइनस कॉस इनवर्स tan² β। अब यहाँ से tan² α और tan² β, एक मिनट, ये cos² α का सूत्र है, cos² α और ये cos² β। यहाँ से कॉस से कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2α - 2β, और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो α - β, अल्फा और बीटा का मान यहाँ से रख दीजिए तो 2 tan inverse a - tan inverse b। अब tan inverse a माइनस tan inverse b मीन्स tan inverse x माइनस tan inverse y। इसका सूत्र हम आपको बता चुके हैं कि tan inverse x माइनस tan inverse y इक्वल tan inverse x माइनस y अपॉन 1 + xy से आपका हो जाएगा 2 tan inverse a - b / 1 + ab, और यही आपका है RHS राइट हैंड साइड। इसके पश्चात आपको हम एक क्वेश्चन और बताएंगे जो कि बहुत आसान है, टेन में वह भी है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आसान क्वेश्चन ही है। तो आपका क्वेश्चन है बहुत छोटा क्वेश्चन, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल π/2। क्वेश्चन आपका है टेन इनवर्स, यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल π/2। तो सिद्ध कीजिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये बराबर 1, यही आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे यहाँ भी आप प्रूफ कीजिए, सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन में आप टैन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स वाई और टैन इनवर्स जेड यहाँ मान लीजिए। माना टैन इनवर्स एक्स बराबर ए, टैन इनवर्स वाई बराबर बी, टैन इनवर्स जेड बराबर सी। तो इससे आपको मिलेगा कि एक्स बराबर टैन ए, वाई बराबर टैन बी और जेड बराबर टैन सी, इतना प्राप्त हो जाएगा। तो ये एलएचएस पूरे में इसका मान रखिए, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड इक्वल π/2।
तो यहाँ से आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई बाय टू। अब यहाँ दोनों पक्षों में टैन ले लीजिए, दोनों पक्षों में टैन लेने पर, टैन लेने पर टैन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टैन पाई बाय टू। टैन पाई बाय टू की वैल्यू ये होती है कितनी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स वन अपान जीरो। और टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी का फार्मूला ये आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये आपका होता है टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी, ये बराबर होता है टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी माइनस टैन ए टैन बी टैन सी बटे टैन ए टैन बी बटे वन माइनस टैन ए टैन बी माइनस टैन बी टैन सी माइनस टैन सी टैन ए। और बराबर यहाँ से टैन पाई बाय टू मीन्स होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं एक बटे जीरो, अनंत को हम लिख सकते हैं एक बटे जीरो। अब देखिए, अब इसके पश्चात यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा, इसका गुणा एक में हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी वन माइनस टैन ए टैन बी माइनस टैन बी टैन सी माइनस टैन सी टैन ए बराबर आएगा जीरो। अब देखिए टैन ए का मान क्या है, एक्स, तो वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल जीरो, यानी टैन ए टैन बी टैन सी का मान एक्स वाई जेड के पदों में रख दिया गया। अब यहाँ से आया क्या, इसको हम उस तरफ अगर ले जाएंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल वन, ये आपका प्रूव्ड हुआ, हेंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए, ये दोनों एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, कई बार पूछे गए हैं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अभी कुछ लोगों के पास बुक उपलब्ध नहीं होगी, इसीलिए हम पूरा क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को लिखते हुए यानी सोल्यूशन को पूरा बताते हुए चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।